Hello, my dear students. Today we are going to have very interesting topic of this chapter, weather, climate and adaptations of the animal to the climate. In previous two videos we discussed about weather and climate. Now today the most interesting part of this chapter, adaptations of animal to the climate. So we are going to start this video, and the main point will be there, that introduction about adaptation, then what is adaptation, then what is adaptation in polar region, what is adaptation for tropical rainforest animals, and we will have some interesting assignment. So let's start with this. So if you talk about climate and weather and the animals, plants, etc. are surviving in that particular climatic condition. So definitely for surviving in that particular climatic condition, whether it is animal or plants, they will have some kind of changes to survive in that particular climate. So this adaptation is very helpful for animals to survive in that particular climate. In this particular class, you have animals adaptation in your syllabus. That's why we will be focusing more on adaptations of animal to that particular climate, especially in polar regions and in tropical rainforest, or you can say tropical regions. So what is adaptation we will discuss. So adaptation can be defined as the modification of all living organism on its part in order to make it more fit for survival under changed environmental conditions, or we can say that the adjustment shown in structure, physiology, behavior, etc. of an organism to changed environmental condition is referred to as adaptations. इसको हम थोड़े आसानी से समझने का प्रयास करते हैं, आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी एनिमल्स को, किसी भी तरीके के एनिमल हो, उसको अगर किसी ठंडे या गर्म किसी भी जगह पे जो कि उसके लिए थोड़ा सा हार्स हो जाए, थोड़ा सा कठिन हो जाए, अगर वहाँ पे उसको सर्वाइव करना है, तो नेचर प्रोवाइड देम समथिंग बाय विच दे कैन सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. यहाँ पर हम बात करेंगे केवल और केवल एनिमल्स के बारे में और कुछ लिमिटेड एनिमल्स के बारे में जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं सेवेंथ क्लास की, तो उसमें हम बात करेंगे, जिसमें मेनली पोलर बियर है. इन पोलर रीजन में हम पेंगुइन को भी देख लेंगे, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में वी विल सी सम एनिमल्स लाइक रेड आइड फ्रॉग, देन व्हाट हैपेंस विथ एनिमल एलिफेंट, देन व्हाट हैपेंस विथ लायन एंड टाइगर्स. सो विद दिस फ्यू इवन वी विल डिस्कस अबाउट मंकी एज वेल. सो आपको एडॉप्टेशन के लिए बता दें कि दिस इज नॉट फॉर फ्यू डेज, एडॉप्टेशन इज फॉर लाइफ टाइम. देर इज वन मोर फेनोमिना दैट इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन. एक्लिमेटाइजेशन दैट इज डिफरेंट देन एडॉप्टेशन. हम बात कर लेते हैं एक्लिमेटाइजेशन क्या है. जैसे ठंड का जब मौसम आता है तो हम अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हम कहीं जगह नहीं छोड़ते. Our body, humans are homothermic in nature, means our temperature remains same throughout our life. If there is change in our temperature, body temperature, then we have some medical issues. हमें बुखार आ जाता है, हमें दिक्कत होने लगती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. If there is change, there is variation in our body temperature. तो हम क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, हम acclimatize करते हैं, हम अपने आप को कपड़े से ढकने का प्रयास करते हैं, हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं जिससे कि हमें ठंड ना लगे. और जैसे ही गर्मी आती है, वी यूज टू वेयर वेरी थिन क्लॉथ्स, इवन कॉटन क्लॉथ्स.
तो कॉटन के कपड़े पहनने से हमें गर्मी से राहत मिलती है, या हमें पसीना कम होता है, और होता भी है तो आसानी से हमारी बॉडी जो है उस समय एडजस्ट कर लेती है। तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एक्लिमेटाइजेशन। बट इन एडाप्टेशन देयर इज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, इवन बिहेवियर। तो आइए हम आगे देखते हैं कि क्या है, कैसे है, कैसे हेल्पफुल है एडाप्टेशन। सो वी कैन से दैट एडाप्टेशन इज़ अ टू टाइप्स, दो तरीके से हम बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज बिहेवियरल एडाप्टेशन, सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन। सो वॉट इज बिहेवियर एंड एडाप्टेशन यूजअली अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज नॉट वन डे टू डे या वन मंथ थ्रू मंथ फिनामिना दैट समवन इज एडाप्टेड टू सम पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए सालों लग जाते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन के बाद जाके एडाप्टेशन होता है और एनिमल्स या प्लांट वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। तो बिहेवियरल एडाप्टेशन में देखेंगे कि व्हाट इज़ बिहेवियरल एडाप्टेशन। सो मूविंग ऑफ एनिमल्स इन लार्ज ग्रुप इज कॉल्ड बिहेवियरल एडाप्टेशन। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ग्रुप मेंबर फ्रॉम प्रीडेटर्स। क्या करते हैं, एक साथ ग्रुप में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए। और एग्जाम्पल में दिया गया है बर्ड कॉल एंड माइग्रेशन। आइए जानने का प्रयास करते हैं व्हाट इज़ बर्ड कॉल। आपने देखा होगा कि जब हम चिड़ियों को दाना डालते हैं तो ढेर सारी चिड़ियाँ, चाहे क्रो हो, चाहे दूसरे तरीके का कोई भी चिड़िया हो, इवन पिकॉक आल्सो, वो आते हैं खाने के लिए। लेकिन जैसे ही हम उनके पास जाने का प्रयास करते हैं, वो एक साउंड निकालते हुए और वहाँ से उड़ जाते हैं। वो साउंड क्या होता है, वो साउंड दूसरे और चिड़ियों के लिए, बर्ड्स के लिए, ये एक इंडिकेशन होता है कि देयर इज डेंजर, वहाँ खतरा है, मत जाओ। तो वो एक जगह, मतलब एक तरीका हो जाता है दूसरे बर्ड्स को अलर्ट करने के लिए कि यस, वहाँ जाओगे तो खतरा हो सकता है, यू विल बी कॉट, आप पकड़े जा सकते हैं, ये वहाँ पे प्रेडेटर बैठा हुआ है, आप प्रे बन जाएंगे। जब कभी भी आप देखेंगे एक बर्ड को दूसरे बर्ड को बुलाना होता है, तो वो अपना एक सिस्टमेटिक सिस्टम रखे हुए हैं, वो उस पर्टिकुलर भाषा में बोलते हैं। कभी देखिए सेम बर्ड अलग अलग तरीके के साउंड निकालती है, तो ये होता है उनका अपना सिग्नल देने का तरीका, और वही लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू इंटरप्रिट दैट व्हाट दैट बर्ड इज सेइंग, बट दैट इज़ देयर ओन एडाप्टेशन फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। सो दिस इज बर्ड कॉल। वट इज़ माइग्रेशन, दिस इज लीविंग अ प्लेस। कुछ समय के लिए भी हो सकता है, कुछ लंबे समय के लिए भी हो सकता है। हम आगे देखेंगे कि माइग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। देन अनदर टाइप ऑफ एडाप्टेशन इज स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन। दिस इज लॉन्ग टर्म एंड दिस इज परमानेंट, यू कैन से। द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन। बॉडी स्ट्रक्चर गेट्स चेंज। वाई इट हैपन्स, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड वेदर, वेदर इट इज़ हॉट वेदर, इवन कोल्ड एंड हॉट बोथ, एनी काइंड ऑफ। तो क्या क्या है, बिल ऑफ अ बर्ड, फर ऑन अ पोलर बियर, इवन विथ पेंगविन, देन अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो क्या होता है कोल्ड, ये तो कोल्ड का एग्जाम्पल दिया। वेदर जब रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको अलग तरीके का एग्जाम्पल मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बर्ड ऑफ द बिल ऑफ ए बर्ड। आपने चोंच देखी होगी, अलग अलग जो चिड़ियाँ होती हैं, अलग अलग जो बर्ड्स होती हैं, उनकी चोंच जो होती है वो अलग अलग होती है। क्यों, यहाँ देखिए इनका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है, ये आपको कुछ अलग दिख रहा है, ये आपको टोटली डिफरेंट दिख रहा है। तो क्यों ऐसा है, ये केवल और केवल इसलिए है कि इन सारे बर्ड्स के भोजन करने का तरीका अलग है। कुछ ऐसी हैं जो केवल ग्रेन्स लेती हैं, कुछ ऐसी हैं जो टोटली फिशेस पे डिपेंड करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे डिपेंड करती हैं। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनकी जो बिल है वो अलग अलग है, इनकी साइज़ अलग है, इनका शेप अलग है। और कुछ ऐसे जो फ्लेश लेते हैं, उनको उस फ्लेश को कट करने के लिए, उसको निकालने के लिए, जैसे यहाँ आप देखिए हुक लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी। तो
तो यहाँ पे ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये केवल और केवल उनको फ्लेश को फाड़ने में, काटने में मदद करता है, जिससे कि वो आसानी से अपना पेट भर लेते हैं। आगे और देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग साइज है, अलग अलग शेप है, सेम चीज़ है, बस इसमें थोड़ा नंबर बढ़ गया है। यहाँ पे भी आपको समझ में आया, कुछ ऐसे बर्ड्स होती हैं जो कहीं पे जाके गड्ढे से खोद खोद के अंदर से चीज़ों को निकाल के खाती हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल ब्रांचेस पे बैठ के ऊपर से ही निकाल के ले लेती हैं इंसेक्ट्स को। तो ऐसी मतलब उनके सर्वाइवल में उनको कोई दिक्कत ना हो, उनका पेट भरने में कहीं से कोई उनको समस्या ना हो, इसीलिए कुछ ऐसी हैं जो केवल और केवल नेक्टर पे डिपेंड करती हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये नेक्टर फीडिंग, फूलों के अंदर अपने चोंच को डाल के वहाँ से वो रस ले लेती हैं, फूलों का रस लेती हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। हमिंग बर्ड को आप देखेंगे, छोटी सी होती है और वो अपना काम इसी चीज़ से चलाती है, नेक्टर से। सो बहुत सारे ऐसी बर्ड्स हैं जो छोटे छोटे होती हैं, इवन बड़े बड़े भी होते हैं, तो वो अपने पेट भरने के लिए अलग अलग तरीके से, उनमें एडॉप्टेशन है, नेचर ने उनको दिया हुआ है, जिससे वो उसका फ़ायदा होता है। ये तो हो गई बात बिल की। और अब हम बात करते हैं व्हाट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन पोलर रीजन। तो पोलर, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज पोलर रीजन एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। तो आप देखिए, द एरिया ऑफ द अर्थ दैट सराउंड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द पोलर रीजन। आपको पता है जो नॉर्थ और साउथ पोल का एरिया है वही पोलर रीजन है। होता क्या है वहाँ पे, वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है और यह क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर बना रहता है, वो हमेशा ठंडा ही रहता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। तो ये कंडीशन हो गई पोलर रीजन की। और देखिए, टेम्परेचर जो है वहाँ पे बहुत ही कम है, यहाँ डिग्री सेल्सियस थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया गया है, आपको पता है कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये जो है यहाँ गलती हो गई है, आप सही करने का प्रयास करेंगे कि आप जब लिखें तो आपसे गलती ना हो, ये डिग्री लगा के और सेल्सियस ऐसे। तो आपको पता है, आपने पिछले चैप्टर में हीट में पढ़ा भी है। तो क्या होता है वहाँ पे, सिक्स मंथ यू विल नॉट बी एबल टू सी द सन एंड सिक्स मंथ यू विल नॉट बी एबल टू गेट मून देयर, क्योंकि वहाँ पे छः महीने का दिन और छः महीने की रात होती है, और वहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। वहाँ पे अगर प्लांट के वेजिटेशन की बात करें तो प्लांट नहीं होते, अगर होते भी हैं तो दे विल बी वेरी टाइनी और अपियरेंस इज नेग्लेजिबल, ना कहिए कि नहीं ही होते हैं। वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो हैं, कौन कौन से मेन एनिमल्स हैं, पोलर बियर हैं, सील्स हैं, पेंगुइन हैं, मस्क ऑक्सन हैं, रेंडियर्स हैं, फॉक्सेस हैं, वेल हैं, साइबेरियन क्रेन हैं, दिस इज बर्ड एंड मेनी अदर फिशेस। तो अगर हम अपने सिलेबस को देखें, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सील दिया हुआ है, लियोपॉड, देन पेंगुइन, देन आर्कटिक वोल्फ, देन वॉलरस, देन फॉक्स, देन पोलर बियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द पर्टिकुलर फीचर इन पोलर बियर देन पेंगुइन। तो बात करते हैं कि पोलर बियर क्या है बेटा, कार्निवोर्स है, ये कार्निवोर्स है, और इसका जो रहने का एरिया है आर्कटिक सर्कल, मतलब वेयर देयर इज कूल्ड थ्रू आउट द ईयर, देयर दे कैन सर्वाइव वेरी वेल। एंड वी विल सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट पोलर बियर इन अपकमिंग स्लाइड। तो क्या क्या है, उनके पास वाइट फर होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं। हाइड करने से क्या होता है, वाइट फर होने से, क्योंकि स्नो का कलर वाइट है, तो वो जिसका शिकार करना चाहते हैं, मतलब अपने प्रे से भी बच जाते हैं, और जो उनका शिकार करना चाहता है अपने प्रेडेटर से भी बच जाते हैं, क्योंकि कलर जो है उनका मैच कर जाता है स्नो के कलर से। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट विजिबल, एंड इन सेम वे इट मेक्स इजियर टू कैच देयर प्रे, पकड़ने में भी आसानी है और बचने में भी आसानी है। तो ये तरीका हो गया इनके, और इनके इसका यही फ़ायदा होता है। तो पोलर बियर मूव स्लोली एंड रेस्ट अ लॉट so that they do not get
ओवर हीटेड बिकॉज ऑफ देयर थिक फर। आप देखिए कि उनकी बॉडी जो होती है कुछ इस तरीके से, हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे शॉर्ट में कि क्या क्या अडॉप्टेशन है, तो ये भी देखेंगे कि वो बहुत धीरे चलते हैं, क्योंकि अगर उनकी बॉडी गर्म होती है तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट स्वेटिंग एंड सर्वाइवल विल बी डिफ़िकल्ट। तो आप देखिए कि नेचर ने उनको ऐसा बनाया है कि वो आसानी से, अगर ज़रूरत ना हो तो अपना धीरे धीरे चल के काम करते हैं, रेस्ट करने का काम करते हैं, लंबे समय तक रेस्ट करते हैं, जिससे कि उनकी जो एनर्जी है वो बची रहे और वो अपने बॉडी को वार्म कर रख सकें और उन्हें उनके अपने थिक स्ट्रक्चर का, अपने जो थिक फर है उनके बॉडी पे, हेयर्स हैं आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई दिक्कत ना हो। सो दैट्स वाई दे शो समथिंग लेजी बिहेवियर। सो पोलर बियर्स ऑफन स्विम और ऑन वार्म डेज टू कीप देमसेल्फ कूल। सी, एक तरफ मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पूरे साल ठंड पड़ती है, स्नो होती है, लेकिन फिर भी अगर जब 6 मंथ का वहाँ पे दिन होता है उस कंडीशन पे आप देखिए, जब सनलाइट पड़ती है उतनी ही सनलाइट में उनको गर्मी महसूस होती है। तो क्या करते हैं वो, जो आइस मेल्ट होती है, जो स्नो मेल्ट होती है, वहाँ पे जो पानी होता है उसमें वो स्विम करते हैं, जिसकी उनकी बॉडी कूल बनी रहे और उनके सर्वाइवल में कोई दिक्कत ना आए। और उनके बॉडी में जो चेंज होता है जिसकी वजह से वो अच्छे से वो स्विम कर सकते हैं और वो अंडर वाटर काफ़ी देर तक स्विम कर पाते हैं। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि वो अपने नॉस्ट्रिल को लंबे समय तक बंद करने में सक्षम होते हैं। दे आर एबल टू क्लोज देयर नॉस्ट्रिल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इसलिए वो अंडर वाटर भी अच्छे तरीके से स्विम कर सकते हैं। एंड दे आर हैविंग वेरी हाई सेंस ऑफ स्मेल सो दैट दे कैन कैच देयर फिश, दे कैन आइडेंटिफाई येस हियर इज माई प्रे। वहाँ ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर मुझे अपना भोजन मिलने वाला है उनके सेंस ऑफ स्मेल से। अब यहाँ पे आप शॉर्ट में देखेंगे, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम आवर NCERT बुक। तो शॉर्ट में देखिए कि क्या क्या अडॉप्टेशन है और उससे क्या क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या इसमें है। तो आप देखिए, वाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नो, स्नोवी वाइट बैकग्राउंड, जिससे क्या होता है, इट्स प्रीडेटर आर प्रे आर अनेबल टू सी इट। दूसरा देखिए, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल, जैसा कि अभी आपने आपको बताया, जिसे वो अपने भोजन को अच्छे आसानी से खोज लेते हैं। तीसरा आपको देखिए सबसे डाउन साइड में, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, एक फैटी लेयर होती है स्किन से, जिससे क्या होता है कि द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म, जिससे कि उनकी बॉडी गर्म रहती है, फैट जो होती है इंसुलेटर का काम करती है। इट हैज़ अ लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज, क्लॉज जो होते हैं उनके बड़े होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, वो फिसले नहीं, क्योंकि आपको पता है जो आइस होता है, जो स्नो होता है, ये फिसलता है, तो वो अच्छे से उसको होल्ड कर सकें, होल्ड करके चल सकें, फिक्स करके चल सकें, जिसकी वजह से वो फिसलते नहीं हैं। तो ये सारे एडाप्टेशन हो गए पोलर बियर में, जिसकी वजह से वो आर्कटिक रीजन में या पोल्स पे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे पेंगुइन्स के बारे में। तो इसमें भी आप देखिए कि पेंगुइन्स आर आल्सो हैव वाइट इन कलर सो दैट दे कैन हाइड इन द स्नो, दे हैव थिक स्किन विथ लार्ज फैट कंटेंट इन देयर बॉडी सो दैट दे कैन सर्वाइव इन कोल्ड वेदर इजली। आप देखिए दोनों चीज़ों की मैचिंग हो गई, बट पेंगुइन्स पूरे तरीके से वाइट नहीं होती, इसमें कुछ आपको कॉन्ट्रास्ट कलर भी मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज लुकिंग वाइट, दैट्स वाई इट इज ईजी फॉर देम टू हाइड। तो ये देखिए, झुंड में रहती हैं, क्राउड में रहती हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट में रहती हैं, जिससे वो एक दूसरे के टच में रहेंगे तो अपनी बॉडी को वार्म गर्म रख सकें, और इनके पास वेब फिट होता है जिससे वो स्विमिंग आसानी से कर पाती हैं। कुछ और डिटेल में इसमें देखेंगे क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो पेंगुइन में
गर्मी के लिए वार्म्थ में के लिए क्या होता है, अ लेयर ऑफ ओवरलैपिंग फेदर कोटेड विथ ऑयल, जिसकी वजह से क्या होता है पॉकेट ऑफ एयर अंडरनीथ इट्स फेदर, एंड उसे क्या आता है विच होल्ड द हीट, जो इनका फेदर होता है वो इनके हीट को मेंटेन करने में मदद करता है, हीट को बाहर जाने से रोकता है, गर्मी से ठंड से बचने के लिए इनके पास ये तरीका है। वाटर में क्या करते हैं, मूवमेंट को देखा जाए तो इनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी फिशेस की होती है आपने देखा है, जिससे वो आसानी से स्विम कर सकती हैं। वाटरप्रूफ फेदर होते हैं जिससे कि वो पानी में भीगते नहीं, अगर भीगते भी हैं तो फिर पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एंड हैवी सॉलिड बोन्स होते हैं जिससे कि वो डाइव कर सकते हैं अच्छे तरीके से ईजिली, एंड पेयर ऑफ विंग्स प्रोपेल फॉरवर्ड इन वाटर, जिसकी वजह से वो अच्छे से आगे की तरफ मूव करते जाते हैं। सांस लेने के लिए क्या होता है, ब्रीथिंग करने के लिए दे हैव स्पेशल ब्लड एंड मसल टिश्यूज, क्या करते हैं वो इंक्रीजिंग मूव ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग एंड अंडर वाटर ड्राइव, जब वो पानी के अंदर वो तैरती हैं तो जिससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की बॉडी में सप्लाई हो, इस तरीके का स्पेशल एडॉप्टेशन उनकी बॉडी में होता है। और खाते क्या है, डाइट क्या है इनका, क्रिल छोटी छोटी मछलियाँ, स्क्विड्स जो चिपचिपे मछलियाँ होती हैं, जो एक तरीके से जेली टाइप की चीज़ें हो एनिमल होता है उसको ये खाती हैं, और बड़ी फिशेस को भी जैसे ही वो पाती हैं वो खाती हैं। प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, ये ग्रुप में मूव करती हैं, गार्ड अराउंड द एग, अपने अंडे की रक्षा करती हैं, ये जिग जैग स्विम करती हैं, जिससे सीधे स्विम करती हैं तो हो सकता है कोई दौड़ा के नहीं पकड़ सके, जिग जैग करती हैं तो इफ़ समवन इज ट्राइंग टू कैच देम दे कैन एस्केप वेरी इजीली। तो ये हो गया पेंगुइन के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इतनी एडॉप्टेशन है। इस वीडियो के लिए हम फिलहाल में इतना ही रखते हैं, दिस इज पार्ट वन, एंड इन पार्ट दिस इज पार्ट टू ए, एंड इन पार्ट टू बी वी विल स्टार्ट विथ माइग्रेटरी बर्ड्स इन पोलर रीजन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू।